नमस्कार एंड वेलकम एट हिंद गुरुकुल एडु7. दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर 3rd, द सेक्रेट ऑफ सक्सेस, हेल्थ एंड पावर. बिफोर दिस पार्ट 1, 2 and 3 हैव बीन अपलोडेड ऑलरेडी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. धन्यवाद. तो ये नेक्स्ट वीडियो है, इस वीडियो में आगे की स्टोरी देखते हैं, क्योंकि वो वीडियो काफी लंबा हो रहा था प्रीवियस वीडियो, तो आगे इसमें देखा जाए. इफ यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ दिस फैट, यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर, एंड सक्सेस विल कम. अब यहाँ पे जेम्स एलन क्या कहते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए, अपने काम करने की क्षमता पे भरोसा होना चाहिए, गॉड पे भरोसा होना चाहिए, साथ में रूलिंग लॉ पे भरोसा होना चाहिए. और ये सारे फैत आपके अंदर है, आपने पजेस करके रखा है, अपने अधिकार में रखा है, इन विश्वास को अपने पास रखा है. तो फिर आपको ये सोचकर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि भविष्य में आप सफल होंगे कि असफल होंगे, कुछ नहीं, आपको टेंशन लेना ही नहीं है. आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, और विश्वास के साथ आपको कड़ी मेहनत के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ बहुत मेहनत करना है अपने पर्पस के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने सपनों के लिए. तो फिर आप सफल और असफल होने की चिंता छोड़ दें, क्योंकि वो गॉड के हाथ में है और आपको भगवान पे भरोसा होगा, तो डेफिनेटली आप मेहनत किए रहेंगे तो भगवान आपके बारे में ज़रूर सोचेंगे, एंड सक्सेस विल कम, और जो सफलता है आपको मिलेगी. अगर आपके अंदर ये विश्वास होगा तो फिर सफलता आपके हाथ में है. विश्वास के साथ मेहनत भी ज़रूरी है. यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जियस अबाउट रिजल्ट्स. जब आपने विश्वास किया है और आपने मेहनत किया है, तो फिर आपको जो रिजल्ट है, परिणाम है, अपने मेहनत का जो परिणाम है, रिजल्ट है, उसको लेकर आपको एंग्जियस होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, अधीर होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. आप आराम से बिल्कुल चिंता रहित रहिए, क्योंकि जब आपने मेहनत किया और आपको भरोसा है तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस. बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली, knowing that right thoughts and right efforts will inevitably bring about right results. लेकिन जब आप काम करें तो उस काम को बोझ समझ के ना करें, enjoy के साथ उस काम को करें, मज़े लेकर उस काम को करिए, उस काम को एकदम लगन से करिए, शांतिपूर्वक करिए, peacefully करिए, and knowing that right thoughts, और ये जानते हुए कि जो सही विचार हैं and सही effort है, प्रयास है, will inevitably bring about right result. तो अवश्य, inevitably मतलब होता है कि अवश्य आपको right result, सही result देगा, मतलब आपके काम करने की दिशा सही है, काम करने का तरीका सही है, आप बहुत मज़े से काम कर रहे हैं, बोझ समझ के काम नहीं कर रहे हैं, enjoy के साथ काम करें, और आप सही सोच और सही effort के साथ काम करें, तो आपको उसका result भी सही मिलेगा, गलत नहीं मिलेगा और अवश्य मिलेगा. योर सक्सेस, योर फेल्योर, योर इन्फ्लुएंस, योर होल लाइफ यू कैरी अबाउट विद यू, फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी. योर सक्सेस आपकी सफलता, योर फेल्योर आपकी असफलता, योर इन्फ्लुएंस आपका प्रभाव, योर होल लाइफ आपका पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन, यू कैरी अबाउट विथ यू, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, हर किसी के दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है. फॉर योर डोमिनेंट ट्रेंड्स ऑफ थॉट, आपके विचारों का जो डोमिनेंट ट्रेंड्स है, मतलब प्रभावशाली जो विचारधारा है, आपके विचारों का जो सोच है, तरीका है, आपकी सोच का जो तरीका है, वो क्या है, उसमें किसका डोमिनेंट रहता है, किसका ज़्यादा अधिकार रहता है. बस आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहते हैं कि पता नहीं सफल होंगे कि असफल होंगे, आपका क्या प्रभाव, आपकी पूरी ज़िंदगी कैसी होगी, दिस दैट. तो यही हमारे विचारों को, विचारों पर क्या होती है, डोमिनेंट होती है, यही हमारे विचारों पे आधिपत्य जमाए रहते हैं. आर द डिटरमाइनिंग फैक्टर्स इन योर डेस्टिनी, और यही डिटरमाइनिंग फैक्टर्स होते हैं, डिटरमाइन मतलब डिसाइड करना, निर्णय करना, निश्चित करना. तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ये ऐसे फैक्ट हैं, तथ्य हैं, जो हमारी डेस्टिनी, हमारे भाग्य को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, क्या हमारे सक्सेस, हमारे फेल्योर, हमारे इन्फ्लुएंस, हमारे जीवन, यही सब तो हमारे दिमाग में चलता रहता है, और यही जो फैक्ट्स हैं वो हमारे भाग्य
का निर्माता होता है, भाग्य को डिसाइड करता है, एक तरह से डिजाइन करता है। सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स एंड ब्लेसिंग्स विल फॉल ऑन टू योर हैंड्स एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस। अब यहाँ पे राइटर जो है, ऑथर हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सफलता असफलता, आपका प्रभाव, आपका जीवन है, आपके विचारों में जो चल रहा है और वो आपके भाग्य का निर्माता है, तो फिर आपको करना क्या होगा? भाग्य तो हर कोई चाहता है कि अच्छा रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? सेंड फोर्थ लिविंग स्टेनलेस एंड हैप्पी थॉट्स, आपको जीवंत, दाग धब्बे रहित और खुशनुमा जो विचार, एक प्रसन्न विचारधारा है, उसको आपको आगे रखना होगा। मतलब आपके विचार, कहा जाता है कि जैसा विचार होता है वैसा इंसान होता है, तो आपको कैसा विचार रखना होगा? जीवंत विचार रखना होगा, ऐसा विचार जो उसमें किसी तरह की कमी ना हो, ऐसा विचार जो हैप्पी हो। तो ऐसे थॉट्स आप सामने रखेंगे एंड ब्लेसिंग्स, और ऐसे ब्लेसिंग्स, ऐसे आशीर्वाद, ऐसे ही आप ब्लेसिंग्स को सामने रखेंगे, तो फिर आपकी डेस्टिनी भी अच्छी होगी, मतलब किस्मत भी अच्छा होगा, और ब्लेसिंग्स विल फॉल ऑन योर सॉरी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऐसे विचार को आप अपने सामने लाएंगे तो जो ब्लेसिंग्स है, गॉड के जो आशीर्वाद है, वो आपके हाथ में होगा। एंड योर टेबल विल बी स्प्रेड विद द क्लॉथ ऑफ पीस, और आपके टेबल पे क्या होगा? जो शांति है, पीस मीन्स शांति, द क्लॉथ ऑफ पीस, जो शांति की पीस क्लॉथ है, कपड़ा है, वो आपके टेबल पे बिछ जाएगा। कहने का मतलब है कि आप लिविंग स्टेनलेस और हैप्पी थॉट सामने रखेंगे तो भगवान का आशीर्वाद आपके हाथ में होगा और आपके जीवन में शांति छाई रहेगी, कहीं किसी तरह से किसी प्रकार की अशांति नहीं होगी। सेंड फोर्थ हेटफुल इम्प्योर एंड अनहैप्पी थॉट्स एंड कर्सेस विल रन डाउन अपॉन यू एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो। अगर इसी के अपोजिट आप हेटफुल, मतलब नफरत वाली, इम्प्योर अशुद्ध एंड अनहैप्पी और दुखी विचारों को आप सामने लाते हैं तो क्या होगा? कर्सेस विल रेन डाउन अपॉन यू, तो जो अभिशाप है वो आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। तो जो अभिशाप है क्या करेगा? विल रेन डाउन, बारिश की तरह आपके ऊपर पड़ जाएगा, यानी कि आपके जीवन को ख़त्म कर देगा। एंड फियर एंड अनरेस्ट विल वेट अपॉन योर पिलो, और जो डर है और जो बेचैनी है वो क्या कर रहा होगा? आपके पिलो पे, आपके तकिए पर इंतज़ार कर रहा होगा। मतलब जब आप रात में सोएंगे तो व्हाट विल हैपन, आप दुखी रहेंगे, और जो दुखी रहेंगे फिर किसी से आपके अंदर नफ़रत होगी, आपके जो थॉट्स होंगे वो इम्प्योर होंगे, अशुद्ध होंगे, फिर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलता रहेगा और आपको मेहनत करने से रोकेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ डाउन होती चली जाएगी और फिर आप सक्सेस नहीं कर पाएंगे और नहीं पावर। तो ये आपको क्या करना होगा? लिविंग स्टेनलेस और हैप्पी थॉट्स को सामने रखना होगा और हेटफुल, इम्प्योर और अनहैप्पी थॉट्स को नहीं रखना होगा। अगर ये करेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी टेंशन में रहेगी। यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट, बी दैट फेट व्हाट इट मे। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, जेम्स एलन ने, कि यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर फेट। फेट मतलब होता है किस्मत, लक, भाग्य। तो आप अपने भाग्य के अनकंडीशनल मेकर है, मतलब स्पष्ट निर्माता हैं। कहा जाता है कि अपने किस्मत अपनी हाथ में है, आप जैसा चाहेंगे अपना जीवन बनाएंगे, अपना किस्मत बनाएंगे। तो यही बात इन्होंने कहा है कि आप अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं, और बी दैट फेट व्हाट इट मे, और उस किस्मत को बनाइए जो भी ये हो। मतलब आपकी किस्मत में जो भी है उसे आप आगे लाइए, लेकिन कैसे? लिविंग स्टेनलेस और हैप्पी थॉट्स के जरिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, यानी कि अपनी किस्मत को जैसा भी बनाना चाहते हैं, आगे लेकर आइए। अगर अच्छा बनाना है तो इन चीज़ों को लेकर आइए, अदरवाइज अच्छा नहीं बनाना है तो फिर इन चीज़ों को लेकर आइए। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ। एवरी मोमेंट यू आर सेंडिंग फोर्थ फ्रॉम यू द इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए, हर पल, एवरी मोमेंट मतलब हर पल,
यू आर सेंडिंग फोर्थ, जो भी कुछ आप सामने ला रहे हो, चाहे सही विचार हो चाहे गलत विचार, द इन्फ्लुएंस विच विल मेक और मार योर लाइफ, वही आपके जीवन को बनाएगी और वही बिगाड़ेगी। कहने का मतलब है कि अगर आप, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि एवरी मोमेंट, जो हर पल जो भी कुछ आप आगे लेकर आएंगे वही आपके जीवन को बनाएगी और बिगाड़ेगी। अच्छा लेकर आएंगे तो जीवन को बनाएगी, खराब लेकर आएंगे तो जीवन को बिगाड़ेगी। मार मतलब होता है बिगाड़ना। लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज एंड लविंग एंड अनसेल्फिश एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस इवन दो यू मेक लिटिल मनी। अब यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं, लेट योर हार्ट ग्रो लार्ज, अपने हृदय को बढ़ा करिए हर किसी के लिए, जो संसार में दुखी लोग हैं, असहाय लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, उन सभी के लिए अपने हृदय को बड़ा करिए। एंड लविंग, और स्नेहपूर्ण बनाइए, अपने हृदय को सॉफ्ट बनाए। एंड अनसेल्फिश, साथ में अनसेल्फिश हो, आपके अंदर कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ भाव रखिए अपने हृदय में। एंड ग्रेट एंड लास्टिंग विल बी योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस। तो जब आप अपने हृदय को बड़ा बनाएंगे, आप निस्वार्थ भाव से आप लोगों की हेल्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका जो इन्फ्लुएंस होगा इस समाज में, जो आपका प्रभाव होगा इस समाज में, और जो आपकी सफलता होगी इस दुनिया में, वो क्या होगा, महान होगा और लास्टिंग होगा। मतलब इतना महान होगा कि आपके बाद भी लोग आपको याद करेंगे और नहीं भूलेंगे। इवन दो यू मेक लिटिल मनी, चाहे भले आप बहुत कम अर्न कर रहे हैं, यानी कि आपके पास पैसे बहुत कम हो, लेकिन आप अपने हृदय को बड़ा रखिए, निस्वार्थ रखिए, तो व्हाट विल हैपन, आपका जो जीवन होगा वो महान बन जाएगा और आपका जो प्रभाव रहेगा हमेशा के लिए बना रहेगा, आपको हमेशा याद करेंगे। जो महान लोग, कैसे लोग महान बनते हैं, ऐसे तो लोग महान बनते हैं जिनको हम पढ़ते हैं, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी जीवनी हम लोग पढ़ते हैं, बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, वो लोग महान कहलाते हैं, आज भी उन्हें याद किया जाता है। शताब्दियों पहले के लोग हैं जिनको हम लोग आज भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफ है वो ग्रेट हो गया है, उनका इन्फ्लुएंस परमानेंट हो गया है, इसी वजह से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि महान बने और इस तरह से आपका जीवन प्रभावी रहे, आप के बाद भी लोगों को, आप लोग आपको याद करें, तो फिर आपको ये काम करना होगा। कॉन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड इवन दो यू बिकम अ मिलियनेयर, योर इन्फ्लुएंस एंड सक्सेस एट द फाइनल रेकनिंग विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, कन्फाइन इट विद इन द नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आप अपने हृदय को सीमित रखते हैं, कन्फाइन मतलब सीमित रखना, और कहाँ, इट विद इन अ नैरो लिमिट्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ जो स्वार्थ है, स्वार्थ में ही अपने जो हृदय है, आपके हृदय में स्वार्थ भरा रहेगा, किसी के प्रति कोई दया भाव नहीं रहेगा, और चाहे आप करोड़पति मिलीनियर क्यों ना हो, फिर भी आपका जो प्रभाव और सक्सेस होगा, अगर फाइनल रेकनिंग किया जाए, यानी कि अंतिम रूप से इसको इसकी गणना की जाए, तो विल बी फाउंड टू बी अटरली इनसिग्निफिकेंट, मतलब बिल्कुल ही महत्वहीन हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब महत्वहीन, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है कि आप अपने हृदय को स्वार्थ से भर लेते हैं, किसी के प्रति कोई दया उपकार नहीं करते हैं, और आप बहुत बड़े धनी पर्सन हैं, बहुत बड़े पर्सन हैं, धनी पर्सन हैं, तो भी आपका जो प्रभाव होगा वो परमानेंट नहीं होगा, आपकी सफलता परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि फाइनल में जब भी आपके जितने भी आपने जो भी जैसे अभी कर्म किया है उसका रिजल्ट अगर निकाला जाए तो उसकी कोई महत्व नहीं होगी, वो पूर्तियाँ क्या हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। तो यही बात कहा गया है, क्योंकि दौलत जब तक इंसान के पास रहती है तो लोग, चार लोग पीछे होते हैं, जैसे दौलत ख़त्म हो जाती कोई पीछे नहीं रहता, लेकिन आपका व्यवहार अच्छा रहता है तो आज भी आपके साथ रहेंगे लोग और हमेशा आपके साथ रहेंगे। कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फेथ।
सिंगलनेस ऑफ पर्पस एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अबाउंडिंग हेल्थ एंड एंड्यूरिंग सक्सेस बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर. कल्टिवेट देन दिस प्योर एंड अनसेल्फिश स्पिरिट. अगर आपको परमानेंट प्रभाव चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि आप ऐसे पर्सन बने जो लोग आपके सामने भी आपकी रिस्पेक्ट करें और आपके पीठ पीछे भी, तो फिर आपको क्या करना होगा? कल्टिवेट करना होगा, मतलब परिष्कृत करना होगा प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट. मतलब आपको अपनी आत्मा को, अपनी विचारधारा को कैसा बनाना होगा? शुद्ध बनाना होगा, स्वार्थहीन बनाना होगा. और जब ऐसा आप बना लेते हैं, परिष्कृत कर लेते हैं अपने विचारों को, अपने सोच को, अपनी आत्मा को, एंड कंबाइन विथ प्योरिटी एंड फैथ, और उसके साथ आप प्योरिटी, शुद्धता और विश्वास को जोड़ देते हैं, और साथ में सिंगलनेस ऑफ पर्पस, उद्देश्य की एकता, यानी कि एक ही उद्देश्य हो आपके जीवन में, इन बातों को आप जोड़ लेते हैं, तो प्योर और अनसेल्फिश स्पिरिट के साथ आपको क्या क्या कंबाइन करना है? प्योरिटी, फैथ और सिंगल पर्पस, ये आप ऐड कर लेते हैं. तो एंड यू आर इन्वॉल्विंग फ्रॉम विद इन द एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑफ अवर्निंग फेल. तो आप उन सारे तत्व, जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, उनके बीच में आप इन्वॉल्व रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और नॉट ओनली अबाउंडिंग हेल्थ, सिर्फ आपको पर्याप्त हेल्थ ही नहीं मिलेगा, और इंड्योरिंग सक्सेस, एवरलास्टिंग सक्सेस, मतलब परमानेंट सफलता और पर्याप्त स्वास्थ्य ही नहीं मिलेगा, बट ऑफ ग्रेटनेस एंड पावर, आपको महानता भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी, पावर भी मिलेगा. मतलब आपको अपने स्पिरिट को, अपने विचारधारा को प्योर और निस्वार्थ रखना है, शुद्ध और निस्वार्थ रखना है, और उसके साथ प्योरिटी, फैथ और सिंगल पर्पज को आपको जोड़ना है, इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है. और ऐसा कर लेते हैं तो आपको सिर्फ वही एलिमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे, मतलब सिर्फ आपको अच्छा हेल्थ और परमानेंट सफलता ही नहीं मिलेगी, बल्कि आपको महानता भी मिलेगी और पावर भी मिलेगा. Whatever your task may be, concentrate your whole mind upon it. Throw into it all the energy of which you are capable. Whatever your task may be, जो भी आपका काम हो, task means काम, तो जो भी आपका काम हो, work हो, concentrate your whole mind upon it. ये नहीं देखना है कि हमारा काम अच्छा है, खराब है, सामने वाला का काम बहुत अच्छा है, this है, that है, ये नहीं देखना है. आप के हाथ में जो भी काम हो, आपको उस पर पूर्तियां कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है. योर होल माइंड अपॉन इट, आपकी, आपका पूरा दिमाग, 100% आपका माइंड आपके काम में इन्वॉल्व रहना चाहिए. अगर आपका माइंड आपके काम में 100% इन्वॉल्व नहीं होगा, तो फिर यू कांट अचीव एनीथिंग. तो 100% माइंड के साथ काम करेंगे तो सफल होंगे. थ्रो इन टू इट ऑल द एनर्जी, पूरी एनर्जी झोंक दीजिए अपने काम पे, जितना आपके पास क्षमता है, जितनी आपके पास एनर्जी, पूरा झोंक दीजिए. ऑफ विच यू आर कैपेबल, जितनी आपके पास क्षमता बन रही है, जितना आप कर सकते हो मेहनत, उतना करिए, और पूरे 100% माइंड के साथ. कोई भी काम हो, ये मत सोचिए, द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क लीड्स इनएविटेबली टू लार्जर टास्क. अगर आप के आपके पास छोटा सा काम है और उसे आप बिना गलती के कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके हाथ में फिर बड़ा काम भी आ जाएगा, ये श्योर है. मतलब छोटे छोटे काम को अच्छा कर लेने से ही बड़े बड़े काम हाथ में आते हैं. सो सी टू इट दैट यू राइज बाय स्टडी क्लाइंबिंग. और फिर आप क्या देखेंगे, आप धीरे धीरे बड़े संतुलित होकर आप चढ़ेंगे. अगर आप हड़बड़ा के सोचेंगे कि जल्दी जल्दी काम कर ले, आगे बढ़ जाए, तो फिर आप लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे. लेकिन आप अपने काम में बिना कोई गलती किए बड़े अच्छे से आप काम करते हैं, तो छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम मिलेंगे, और साथ में आप धीरे धीरे आगे सफलता की ऊंचाई पे पहुंचते जाएंगे संतुलित होकर. एंड यू विल नेवर फॉल, और फिर आप कभी नहीं गिरेंगे. और घबरा कर, बेचैनी के साथ, दूसरों का देख कर कि अरे सामने वाला बहुत आगे बढ़ गया, हमें भी करना है, उसके पास इतनी दौलत है, पैसे, ये है, वो है, हमें भी बहुत आगे बढ़ना है, तो इस चक्कर में इंसान अक्सर गिर जाता है गड्ढे में. एंड हेयर इन लाइज द सेक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और यहीं पे जो ट्रू पावर की
सेक्रेट है, रहस्य है, वो लाई करता है, निर्भर करता है। मतलब आपके पावर को गेन करने का जो रहस्य है वो क्या है कि आप छोटे छोटे काम को भी मन से करिए और फिर धीरे धीरे ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज एंड टू कंसंट्रेट देम एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट। अब आपको सीखना होगा बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रयास करते रहिए। और किस बात को लेकर? हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, आपको अपने जो रिसोर्सेस संसाधन है उसका यूज कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस आपको करते रहना होगा। क्योंकि आपके पास जितनी क्षमता है उसको यूज करने का ढंग नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी क्षमताओं को यूज कर लेते हैं, और ये तभी होगा जब आप निरंतर प्रैक्टिस करेंगे। एंड टू कंसंट्रेट देम, और साथ में आपको कंसंट्रेट भी करना है, अपने रिसोर्सेज पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, आपको किस फील्ड का नॉलेज ज़्यादा है उस पर आपको फोकस करना होगा। एट एनी मोमेंट अपॉन अ गिवन पॉइंट, तो जो भी पॉइंट दिया गया है, चाहे कोई समय कुछ भी हो, कभी भी आपको इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना होगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने रिसोर्सेज के लिए और उन पे कंसंट्रेट करना होगा सो दैट यू कैन गो अहेड। द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी। फुलिश चैटर और सेल्फिश आर्ग्यूमेंट नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। द फुलिश वेस्ट ऑल दियर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी इन फ्रिवोलिटी। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो बर्बाद करते हैं अपने सारे मानसिक और आध्यात्मिक पावर को इन फ्रिवोलिटी, तुच्छ काम में। जो तुच्छ काम होते हैं, फालतू के काम होते हैं, उन सब चीज़ों पे मूर्ख लोग क्या करते हैं, अपने मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को, एनर्जी को, पावर को ख़त्म कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, फुलिश चैटर, फालतू के बातें करना, सेल्फिश आर्ग्यूमेंट देना, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या करते हैं, वेस्टफुल फिजिकल एक्सरसाइज होते हैं, फालतू के शारीरिक प्रयास होते हैं, और जिससे आपको सफलता नहीं मिलती बल्कि आप ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। He only is fitted, यहाँ से देखना था ना, If you would acquire overcoming power, you must cultivate poise and passivity. अगर आप चाहते हैं overcoming power, मतलब ऐसी power जिससे आप जीत लें, जीवन में विजयी हो जाए, ऐसा power चाहते हैं, तो you must cultivate poise and passivity. तो आपको एक क्या करना होगा, एक poise और passivity, मतलब एक निरंतरता आनी चाहिए। ये नहीं कि घबराहट आपको काम में संतुलन बना रहे, आपके वर्क में किसी भी तरह का बैलेंस डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप अपने जो भी काम में उसमें जीत हासिल कर सकते हैं, पावर गेन कर सकते हैं। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, आपको अपने अंदर इतनी ताकत, इतनी क्षमता क्रिएट कर लेनी होगी कि आपको हर परिस्थिति में अकेले खड़े रहने की क्षमता आ जाए, आप हर परिस्थिति में अकेले खड़े हो सकें। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विथ इमूवेबिलिटी, तो जितने भी पावर हैं वो इमूवेबिलिटी की जो कंडीशन है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। मतलब आप अपने जो रास्ते हैं उससे हिले नहीं, मूव नहीं करें, अडिग रहे, तो वो सारी जो पावर है उससे जुड़े रहना चाहिए। द माउंटेन, द मैस्योर रॉक, द स्टोन ट्राइड ओक ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडर एंड डेफिएंट फिक्सिटी। वाइल द शिफ्टिंग सैंड, द यील्डिंग ट्विग एंड द वेविंग रेड स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अपने जो रास्ते हैं उससे हिले नहीं, उस पर बने रहे, दृढ़ता के साथ खड़े रहे अपने रास्ते पर, इमूवेबिलिटी हमारे अंदर हो, तो इस
ये सारी चीजें हम कहाँ से सीख ले सकते हैं? द माउंटेन, द मैसिव रॉक माउंटेन क्या है? कभी मूव करता है अपनी जगह से? नहीं, अपनी जगह चाहे किसी भी परिस्थिति में, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर परिस्थिति में वो खड़ा रहता है। उसी तरह से मैसिव रॉक है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और ऊंची ऊंची जो ओक के वृक्ष हैं, पेड़ हैं, ओक के पेड़ आप देखते हैं कितने बड़े बड़े होते हैं, वो भी अपने जगह पे खड़े रहते हैं, हिलते नहीं हैं। ये सारी चीज़ें क्या बोलती हैं? ऑल स्पीक टू अस अ पावर। ये सभी चीज़ें पावर की के बारे में हमें मोटिवेट करते हैं कि इनके अंदर कितना पावर है कि ये किसी भी परिस्थिति में हिलते नहीं अपनी इस जगह से। बिकॉज ऑफ दियर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंडियर, रीजन क्या है कि इनके अंदर सॉलिटरी एकांत ग्रैंडियर महानता है। ठीक है, ये काफी महान है, इनके अंदर वो विशालता है और साथ में वो बिल्कुल फिक्स है, डेफिएंट फिक्सिटी वाइल द शिफ्टिंग सैंड। अब इन ये जो है माउंटेन रॉक और ये ओक की वृक्ष जो है काफ़ी विशाल होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, इतने ग्रेट होते हैं कि वो अपने जगह से हिलते नहीं हैं बिल्कुल। वो हर किसी भी तरह का मतलब प्रॉब्लम हो, ऑब्जेक्शन हो, उनके अगेंस्ट कोई भी दिक्कत आए तो बिल्कुल हिलते नहीं हैं। जबकि द शिफ्टिंग सैंड, वो सैंड जो अभी हवा आती है तो उनको अपने जगह से उड़ा कर दूसरे जगह लेके चली जाती है। द यील्डिंग ट्विग, वो झुकी हुई टहनियाँ जो होती हैं, पेड़ों की ब्रांचेस होते हैं, वो क्या होते हैं, अभी तेज़ हवा चली तो टूट जाएंगे। एंड द वेविंग रीड, और जो रीड होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्रास होता है, बड़े बड़े वो गांव में आप लोग को देखने को मिलेगा, तो वो क्या होते हैं, जैसे हवा बहती है वो इधर से उधर हिलने लगता है, वेव करने लगता है। तो ये सब क्या बोलते हैं, स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस। ये सारे कमजोरी के सिंबल हैं, ये सारे वीकनेस के सिंबल हैं। क्या? शिफ्टिंग सैंड, यील्डिंग ट्विग और वेविंग रीड जो है वो वीकनेस को दर्शाते हैं। और पावर को कौन दर्शाता है? माउंटेन, मैसिव रॉक, स्टोन टाइड, ओक, ये सब पावर के सिंबल हैं। और वीकनेस के सिंबल जो है सैंड, ट्विग और रेड, बिकॉज दे आर मूवेबल एंड नॉन रेसिस्टेंट। अब रीजन क्या है, ये वीक क्यों है? कमजोरी लोग तो अपनी जगह से हिल जाते हैं, जो मजबूत होते हैं, इरादे के पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, कितनी भी परेशानियाँ आए क्या वो लोग अपनी जगह से हिलते हैं? नहीं, वो अपनी ईमानदारी छोड़ते हैं नहीं, अपनी सच्चाई छोड़ते हैं नहीं, अपनी मानवता छोड़ते हैं नहीं। जो कमज़ोर लोग होते हैं मस्तिष्क के, अपने दिमाग से, अपनी मानसिकता, जो उनकी मानसिकता कमज़ोर होती है, अपने शरीर से कमज़ोर होते हैं, वो क्या होते हैं, हिल जाते हैं अपनी जगह से, अपनी अच्छाई खो देते हैं, अपनी ईमानदारी खो देते हैं, अपनी सच्चाई खो देते हैं। और जो लोग इरादों के मजबूत होते हैं वो कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ते हैं, नहीं खोते हैं। तो यही एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये क्या होते हैं, जो सैंड वगैरह होते हैं वो मूव करते रहते हैं हमेशा, नॉन रेसिस्टेंट होते हैं, एक साथ एक जगह पे कंटिन्यू रह नहीं सकते हैं। एंड आर अटरली यूजलेस, और इनका कोई यूज़ भी नहीं है। वेन डिटेच फ्रॉम दियर फेलोस, अगर इनको अपने साथियों से अलग कर दिया जाए तो इनकी कोई वैल्यू है? अगर आप एक सैंड को दूसरे एक सैंड का जो कड़ है, रेत का एक कड़ है, उसको दूसरे कड़ से अलग कर देंगे तो इनकी कोई वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू नहीं। एक ब्रांच को आप उसके पेड़ से अलग कर दीजिए तो उस ब्रांच की कोई कीमत नहीं। जो रीड है, रीड का एक जो पौधा है, जो उसे आप एक झाड़ी है, रीड है, पौधा है, उसे अगर आप बाकी से अलग कर देंगे तो क्या हवा आएगी तो वो हिल डुल पाए, वो कोई आवाज़ क्रिएट कर पाएगी, कुछ कर पाएगी? नहीं, वो अकेले क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि माउंटेन है अकेले खड़ा रहता है, ओक का पेड़ अकेले, जो चट्टान है अकेले खड़ा रहता है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना ये कमज़ोर होते हैं और इनको हमेशा किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है। जब इनको इनके सहारा, जो सहारा होता है उससे अलग कर दिया जाए तो फिर इनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, ये यूजलेस हो जाते हैं। ही इज़ द मैन ऑफ पावर हु वेन ऑल हिज फेलोज आर स्वेड बाई सम इमोशन और पैसन रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड। अब देखिए, ही इज़ द मैन ऑफ पावर, वो लोग शक्तिशाली होते हैं जिनके फेलोज, जिनके साथी लोग किसी इमोशंस की वजह से, पैशंस की वजह से, किसी भावना में आकर, किसी विचार में आकर
वो लोग क्या कर देते हैं, उनका साथ छोड़ देते हैं। होता है ना, कहते हैं कि अच्छे दोस्त वही होते हैं जो आपके हर सिचुएशन में साथ दे। तो सारे लोग तो होते नहीं हैं, बहुत लोग साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसे जनरली होता है कि जो लोग ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं,